Good morning, students. Today we are going to solve exercise 2.3 sums, right, of class 7 maths. So let's start. Question number 1 is, find first 1 by 4 of 8. 1 by 4, B, 3 by 5, C, 4 by 3. Okay, usme question number 1 hai ki find 1 by 4 of this number, 1 by 4 of this number, 1 by 4 of this number. Right? So, of hai, to hum kya karenge? First, hum A wala likhenge. 1 by 4 of this number, matlab 1 by 4. B wala question kya hai? 1 by 4 of 3 by 5. 1 by 4 of 3 by 5. C is 1 by 4 of 4 by 3. 1 by 4 of 4 by 3. Right? Now, each mein of hai, so we will put multiply sign. Right? So, is equal to 1 by 4 multiply 1 by 4. 1 by 4 multiply 3 by 5. 1 by 4 multiply 4 by 3. Okay? चलो अभी multiply है तो multiply में हम ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला multiply करते हैं ठीक है addition या subtraction होता है तो क्या करते हैं हम cross में या LCM लेके करते हैं नीचे वाला term same करते हैं right लेकिन यहाँ तो multiply है तो multiply में हम ऊपर ऊपर वाले number का multiply करेंगे और नीचे वाले number का multiply तो 4 multiply 4 that will be 1 by 4 4 is 16. Okay? Next is 1 multiply 3, 4 multiply 5. That is equal to 3 by 26. Okay? Next is 1 multiply 4, 4 multiply 3. 4 1s are 4, 4 3s are 12. See, अभी इसमें reduce हो रहा है, right? 4 के table में 12 आ रहा है ना, तो 4 3s are 12. तो इसमें भी ऊपर कोई नहीं number है, तो 4 1s are 4, नीचे 4 3s are. तो 1 by 3. Okay? चलो. इसके जैसा ही दूसरा sum है, इसी में second sum है, वो आप homework में करना, ठीक है? इसके जैसा ही क्वेश्चन 1 में सेकंड सम है ऐसे ही करना है आपको मल्टीप्लाई करके तो वो आप होमवर्क में करना है इसके ये लिख लो आप अच्छे हैंडराइटिंग में फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ओके Okay, so I hope आप सबने ये लिख लिया है। Question number 2 is, multiply and reduce the lowest form, right? हमें पहले तो
मल्टीप्लाई 7 बाय 9, ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 7 मल्टीप्लाई 9, राइट। तो ये 7 7 कट करेंगे तो 2 बाय 9 आंसर है। ओके, ये कंप्लीट कर लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन। Okay, so यहाँ पे आएगा
21, 5 to the 10. This is the answer. Okay. Second is, multiply 7 by 9. Okay, चलो 5 3, इसे हम पहले तो fraction form में convert करेंगे. 5 6 30 30 plus 2 32 divide by 5 multiply 7 by 9 as it is. Okay, that is equal to, see यहाँ पे कुछ cut हो रहा है तो cut करेंगे. 9 and 32, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 32 को 3 से नहीं कर सकते, राइट? तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 5 9 45, ओके. एंड 32 7 करो, 7 2 41, कैरी ओवर. 7 3 21 plus 1 22, सो 2 2 4, राइट? इसको रफ करना है तो रफ कर सकते हो साइड पे, ठीक है? तो इस ये फॉर्म में आया. अभी इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 45 4 180, और उसमें हम 44 ऐड करेंगे तो 224 बनेगा, ठीक है? ऐसे भी हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन. ये भी सही आंसर है, इसमें भी कोई गलत नहीं है. मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 3/2 मल्टीप्लाई 5 फ्रैक्शन 1/3. सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन. 5 3 15 plus 1 16/3, दैट इज इक्वल टू ऊपर वाला मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 2 मल्टीप्लाई 3. 3 3 कट, 2 8 16, तो 8 आंसर आए, राइट? ओनली 8 बचे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 5 by 6 मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शन 3/7. सबसे पहले तो 5/6 एज इट इज, ये जो फ्रैक्शन है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 2 7 14 plus 3 14 plus 3 17, राइट? 17/7. ओके, नाउ अपर टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म 6 मल्टीप्लाई 7. 17 5 = 85, राइट? 85 और नीचे 6 7 = 42. इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो. और 42 2 = 82 84, ठीक है? 42 2 = 2 2 = 8 84 84 plus 1 85. ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? नीचे के जो 5 6 7 है ना, 5th 6th और 7, वो होमवर्क है, ठीक है? ट्राई करना इसके जैसा ही है, सेम होमवर्क. ये मैंने 4
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हम करते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर. Thank you.
में सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर में मैं दोनों करवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आए। फिर नेक्स्ट पार्ट 11 से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज से लिख लेना, देन क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।